Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Thania, and I have been your mentor for the subject of ESIC Deputy Director, specifically for the subject of marketing. So, आज कोई lecture नहीं होगा because tomorrow is your exam, ठीक है? तो आज कुछ बात करेंगे, थोड़ा सा discussion कर लेंगे, थोड़ा सा आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आपको relief दे दूं, जो भी आप stress में होंगे या anxiety में होंगे for tomorrow's exam, और कुछ last minute tips भी दे दूंगा, जो मुझे लगता है कि जो भी मैंने 3-4 साल पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, जिससे जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला है विद रिस्पेक्ट टू माय इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, सो आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. सबसे पहले तो एक पहली इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आप सब स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा, दैट इज डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी वंस यू रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर. एक बार जब आप अपने सेंटर पर पहुंच जाते हैं, प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करिए, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम मी अनुसर द एंटायर टीम गोज टू योर सेंटर्स, और हम एक ही चीज देखते हैं कि स्टूडेंट ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन में होते हैं, ऑलरेडी उनके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा होता है, एंजाइटी चल रही होती है, नर्वसनेस चल रही होती है, एंड उसी टाइम पे वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं या अपनी परफॉर्मेंस को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं. कहीं से कुछ कोई क्वेश्चन सुनने में मिल जाता है एंड दे स्टार्ट इवैल्यूएटिंग देमसेल्फ. अगर उनको क्वेश्चन नहीं आता है, वो तुरंत जज करना शुरू कर देते हैं कि यार मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, या मैंने ये टर्म तो सुना ही नहीं है, इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा. So first of all, do not start having that self-doubt and do not start making that comparison और वहां पे अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए. बिकॉज खुद सोच के देखिए कि आपका एग्जाम है थोड़ी देर के अंदर, आधे घंटे एक घंटे बाद आपको एग्जाम देना है, और आपके दिमाग में इस समय क्लटर चल रहा है, यू नॉट वेरी क्लियर, और आप बहुत ज्यादा एंशियस हैं, तो क्या आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, क्या आप ठीक से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे? द आंसर इज सर्टेनली नो. सेव दैट एनर्जी, बी वेरी फोकस्ड, उस एनर्जी को सेव करने की कोशिश करिए. आपने देखा होगा, एक अनुसर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कई बार, कि अगर आपने हॉर्स रेस के अंदर देखा हो, हॉर्स के दोनों साइड पे, फेस के दोनों साइड पे एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप बंदी होती है, ठीक है? उसके दो कारण होते हैं, एक कारण तो ये होता है कि भाई जो हॉर्स हो वो फोकस रहे, सामने देखता रहे, और दूसरा एक ये भी रीजन हो सकता है, दूसरी एक ये भी एनालॉजी हो सकती है कि ही शुडंट सी कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कलीग्स हैं आसपास, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उससे आगे निकल रहे हैं या उससे पीछे निकल रहे हैं, ऑल ऑफ दैट्स. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आइडिया क्या है, अभी तक आपने जो भी तैयारी करी, जो भी आपने सोचा, दैट इज एवरीथिंग इज गुड. नाउ वंस यू हैव रीच द सेंटर, अब टाइम है एक्शन लेने का, एग्जीक्यूट करने का, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, जो भी आपने हार्डवर्क किया है. सो योर आइडिया शुड बी टू गिव योर 100%, और वो तभी हो पाएगा जब आप इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे और अपने आप को लास्ट मोमेंट पे डाउट नहीं करेंगे कि यार पता नहीं मेरी प्रिपरेशन कैसी. So do not spoil your energy, do not waste your energy thinking about how well you are prepared, or don't make that comparison with other people who are sitting around. Usme bahut zyada energy waste ho jayegi. Theek hai, that was the first thing. Second is, you have to start believing in yourself. Second tip jo main aapko dena chahunga, ki wo ek kahawat hai na, fake it till you make it. So abhi tak jo bhi aapne tayari kari hai, you should have that belief in yourself ki maine bahut बेस्ट तैयारी करिए. और जितनी भी सीट्स हो, कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सीट कम है और इतने सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कंपीट कर रहे हैं हमारे साथ, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं. यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ एटलीस्ट बिफोर एंटरिंग द सेंटर, और एटलीस्ट बिफोर राइटिंग योर एग्जाम, कि आई एम गोइंग टू मेक इट. जो भी मैंने पढ़ा है, अगर मैंने ठीक से पढ़ा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके पढ़ा है, तो मेरा एग्जाम तो हो ही जाएगा, मुझे दूसरों का होगा कि नहीं होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. स्टॉप थिंकिंग कि उसका हो जाएगा मेरा नहीं होगा. जस्ट focus on that whatever you have learned, whatever you have studied, you are going to nail it in your exam. So, वो belief लाना बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर internally belief आता है तो ठीक है, वरना externally मान लो एक दिन के लिए, over confident हो जाओ एक दिन के लिए, वो अपने अंदर arrogance लेके आ जाओ, भाई मेरा तो हो ही जाएगा, ठीक है? That is something that you have to do, because अगर आपका confidence अच्छा होगा, अगर आप उस belief system से exam के अंदर घुसते हैं, तो आप बहुत अच्छा perform कर पाएंगे, because you are focused, first of all. Second, since you have that belief, तो कोई भी negative thoughts आपको नहीं आएंगे जो आपका ध्यान distract करे. So that should be the second tip that I would like to give you. Third important tip जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है, two C's जिसे हम कहते हैं, be confident about yourself and your answers when you're going to mark, and be calm. तो कॉन्फिडेंट रहना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर आप लास्ट मोमेंट पे जाके अंडर कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि पता नहीं मैंने कैसे तैयारी करी है, या पता नहीं मुझसे एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यू आर डाउटिंग योरसेल्फ, देन सर्टेनली यू आर गोइंग टू मेस अप. सो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है, एंड काम अपने आप को रखने की बहुत जरूरत है. हैव प्रॉपर स्लीप, कम से कम 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ठीक है?
हैव प्रॉपर वाटर, ठीक है, अपने पास पानी रखिए, ठीक है, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े यू कैन हैव वाटर एंड यू कैन जस्ट स्टे काम. तो कॉन्फिडेंस और कामनेस दो चीज आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है इन ऑर्डर टू क्रैक एनी एग्जाम, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है. और लास्ट छोटी सी टिप जो मुझे एक बहुत पुराने एक मेरे टीचर ने कही थी, बिकॉज जब हम लोग भी स्टूडेंट्स थे, स्टिल वी आर लर्न इन द लर्निंग स्टेज, तो हम भी बहुत नर्वस होते थे, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी दैट शुभम दिस इज जस्ट एन एग्जाम, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि जब हम अपने दिमाग में एक सीन क्रिएट कर लेते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि भाई ये तो मेरे लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल है, अगर ये नहीं क्लैक हुआ तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, पता नहीं मैं कुछ बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, तो हम इतना ज्यादा अपने ऊपर बर्डन कर लेते हैं, अपने दिमाग को इतना ज्यादा बर्डन कर लेते हैं कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते, ठीक है. सो यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट एट द वेरी लास्ट मोमेंट. जस्ट कंसिडर किया है, मैंने तैयारी अच्छी करी है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, आई एम काम इनफ, आई एम बिलीविंग इन माई सेल्फ एंड आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सेल्फ डाउट. और अल्टीमेटली ये एक एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छा है, अगर किसी वजह से नहीं क्लियर होता आई विल अगेन ट्राई, ठीक है. सो उस नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं लाना है आपको, एंड यू डोंट हैव टू ओवर बर्डन योरसेल्फ विद थिंकिंग कि नहीं होगा तो क्या होगा, यू जस्ट हैव टू थिंक कि मेरा तो हो ही जाएगा, मैंने तैयारी अच्छी करी, ठीक है. सो दीज आर सम फ्यू टिप्स, आई होप दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है. जितना आप फोकस रहेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना काम एंड कंपोज रहेंगे एग्जाम में, उतना ही ज्यादा इफेक्टिवली आप क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे एंड आंसर कर पाएंगे. बिफोर मार्किंग एनी आंसर रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस. मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ अजर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज क्वेश्चन कम से कम दो बार जरूर पढ़िएगा, और आंसर मार्क करते समय सारे ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिएगा. कई बार क्या होता है, हमें आंसर आता होता है बट हम जल्दबाजी में गलत आंसर मार्क कर देते हैं, ठीक है. सो दीज वर सम ऑफ द लास्ट मिनट टिप्स फ्रॉम माई साइड, ऑल माई बेस्ट विशेस, आई होप दैट यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट. इसके बाद भी कोई डाउट है यू कैन पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू, बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम.